हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। हिंदी हब बाय प्रियंका में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका, आपकी हिंदी टीचर। तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था आपको कि यहाँ इस चैनल पर हम हिंदी को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो जल्दी से सभी लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ में आ रहा है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे आपठित काव्यांश, आपठित काव्यांश। ठीक है, ध्यान देना, आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, आपठित काव्यांश दिया जाता है, फिर उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, और स्पेशली कुछ बच्चों के मुझे कमेंट्स आए थे कि मैम हमारे एग्जाम्स आने वाले, हमें आपठित गद्यांश और आपठित काव्यांश पढ़ा दीजिए। तो स्पेशली उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। चलिए आज हम पढ़ेंगे आपठित काव्यांश। तो आपठित काव्यांश को हल करने का सबसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो है कि आपको उस काव्यांश की लाइन को, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को बहुत अच्छे से और दो दो बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? एक एक वाक्य, एक एक शब्द को दो दो बार ही पढ़ना है, क्योंकि आप पठित काव्यांश हो चाहे आप पठित गद्यांश हो, आपको उसके जो भी क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे वो उसी में ही मिल जाएंगे। कहते हैं ना, आप पठित काव्यांश मतलब कि जो पहले ना पढ़ा गया हो। आपठित काव्यांश किसको कहेंगे? जो काव्यांश पहले ना पढ़ा गया हो उसे हम कहेंगे आपठित काव्यांश। मतलब कि अगर आपने वो कविता, वो दोहा पहले नहीं पढ़ा है तो आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो होगा नहीं। इसीलिए अगर आपके पेपर में, चूँकि आपके पेपर में आता ही आता है, आपके एग्ज़ाम में हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, एक आएगा आपका आपठित गद्यांश और एक आपका आएगा आपठित काव्यांश। इसीलिए आपको आपठित गद्यांश और काव्यांशों को आना, उनको समझना और उनको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। और मैं अपने चैनल में आपको यही सब बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगी, बताऊंगी कि आपको कैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। चलिए आपठित काव्यांश, आपठित काव्यांश। ठीक है, तो जैसा आप इसको देख के लग रहा होगा कि आपठित मतलब कि पहले, जो पहले ना पढ़ा गया हो। ठीक है, अब ये आपका काव्यांश। काव्यांश का मतलब होता है काव्य का अंश। काव्यांश मतलब काव्य का अंश, काव्य दोहा कविता छंद। काव्यांश क्या होते हैं? दोहा कविता और छंद, ये आपका आता है काव्यांश में। कहानी एकांकी और नाटक, ये आते हैं आपके गद्यांश में। ठीक है, तो काव्यांश की बात हो रही है तो भाई इतना तो समझ में आ गया होगा कि आज हम एक कविता को पढ़ने वाले हैं। कविता को पढ़ेंगे, उसके भावार्थ को जानेंगे और उसके बाद ही उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए आपठित काव्यांश की एक बार हम परिभाषा भी देख लेते हैं जिससे उसको हल करना, उसको समझना हमारे लिए आसान होगा। आपठित काव्यांश, ठीक है, तो आपठित काव्यांश, काव्यांश किसी कविता का वह अंश होता है जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तकों से नहीं लिया जाता। मतलब कि ये जो आपठित काव्यांश है ये आपकी बुक में नहीं दिया गया होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, आपठित काव्यांश, आपठित काव्यांश वो होते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं लिए जाते। ठीक है, चलिए तो अब हमारे सामने एक आपठित काव्यांश है, हमें इस काव्यांश की समरी को, उसके भावार्थ को समझना है और साथ ही साथ इस काव्यांश से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे बाद में उनको सॉल्व करना है। वैसा ही आपको करना है अगर आपका पेपर है, आपका एग्ज़ाम पास में है तो, और अगर आपको लग रहा है कि आपके कुछ टॉपिक छूट रहे हैं, मतलब व्याकरण टफ लग रही है, अगर आपको लग रहा है यार थोड़ी सी पुस्तक में भी, बुक से भी कुछ कुछ भूल रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको आपठित गद्यांश और काव्यांश पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो क्या होगा, क्योंकि आपको जैसे आपठित काव्यांश को एक कविता दी गई है और आपको उसी कविता से प्रश्न पूछे गए हैं और आपको आंसर भी उसी कविता में ही मिल जाएंगे। इसीलिए आपको बस कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको सिर्फ उस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है और अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया तो आपको उसके सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे और आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। चलिए तो कविता है, हम प्रचंड की नई किरण, हम दिन के आलोक नवल। सबसे पहले हम इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद उसका भावार्थ जानेंगे। कविता है, हम प्रचंड की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक
धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, सुर भी स्वर्ग की लेते हैं, सुर भी स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छांह सभी को देते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छांह सभी को देते हैं, वीर प्रशुभ माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम ही रखवाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के ही हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो जय हिंदुस्तान। इसमें लिखा है तन मन सब तुम पे कुर्बान, जियो 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 हिंदुस्तान। नेक्स्ट है हम सपूत उनके जो नर थे, ध्यान से सुनना ध्यान से समझना, हम सपूत उनके जो नर थे, अनल और मधु के मिश्रण, जिनमें नर का तेज प्रखर था, जिनमें नर का तेज प्रखर था, भीतर था नारी का मन, एक नयन संजीवन जिनका, एक नयन संजीवन जिनका, एक नयन था हालाहल। फिर है थर थर तीनों लोग कांपते थे, थर थर तीनों लोग कांपते थे जिनकी ललकारों पर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है स्वर्ग नाचता था रण में जिनकी पवित्र तलवारों पर, स्वर्ग नाचता था रण में जिनकी पवित्र तलवारों पर, हम उन वीरों की संतान, जियो जियो जय हिंदुस्तान। ठीक है, तो भाई ये कविता मुझे पढ़ने में तो बहुत अच्छी लगी, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये कविता कैसी लगी। चलिए तो अब इस कविता को पढ़ा हमने, अब इस कविता के भावार्थ को और इसके जो भी कठिन शब्दों हैं उनको हम हिंदी में बहुत आसान मतलब को समझेंगे जानेंगे। हम प्रचंड की नई किरण, प्रचंड का अर्थ होता है तीव्र गति, ठीक है, कहते हैं ना प्रचंड ज्वाला तो तीव्र गति, ठीक है। हम प्रचंड की नई किरण, हम दिन के आलोक नवल, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, नवल का मतलब होता है नया, ये तो स्पष्ट ही है, नवल मतलब नया, आलोक मतलब प्रकाश। तो यहाँ इस कविता में कवि ने बताया है कि जो देश के युवा हैं, जो नवयुवक हैं, वो कह रहे हैं कि हम देश की नई प्रेरणा है, हम ही अपने भारत की, हम ही अपने हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे। तो इसमें प्रचंड ज्वाला ये सारे शब्द देश के नवयुवकों के लिए, वीर सपूतों के लिए, वीर सैनिकों के लिए कहे गए हैं। हम प्रचंड की नई किरण हैं और हम ही इस देश की नई किरण हैं, अर्थात हम ही इस देश की रक्षा करेंगे, हम ही इस देश की आशा की किरण हैं और हम ही दिन का एक नया उजाला है, नया प्रकाश है। हम नवीन भारत के वीर सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, और उन्होंने कहा है कि हम ही नवीन भारत मतलब नए भारत के, हम ही नए भारत के वीर सैनिक हैं। और सैनिक की विशेषताएँ बताई हैं, सैनिक कैसे हैं, बहुत ज़्यादा धैर्यवान है, वीर है, साहस है और बहुत ज्यादा गंभीर है। और कैसे है, अचल मतलब समुद्र की तरह स्थिर रहने वाले हैं। ध्यान से सुनना ध्यान से समझना, क्योंकि इन्हीं सब से अभी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। लिखा है हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। हिमाद्रि का मतलब यहाँ पर हिमालय है और सुरभि, सुरभि का मतलब होता है सुगंध, याद रखना सुरभि का मतलब सुगंध खुशबू। तो कवि ने कहा है कि वो सैनिक हैं, वो कह रहे हैं कि हम ही प्रहरी हैं हिमाद्रि के। हिमालय क्या होता है, हिमालय हमारे भारत का एक ताज है, कहते हैं ना हमारे भारत का एक गौरव है। तो वो कह रहे हैं वीर नवयुवक कि हम ही अपने हिमालय की रक्षा करेंगे और हिमालय की रक्षा करते करते हिमालय के चारों तरफ की जो खुशबू है, जो सुगंध है, वह कैसी लग रही है, जैसे वो स्वर्ग में रह रहे हो। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम ही अब इस देश की नई आशा की किरण है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम अपने देश के नया प्रकाश, नया उजाला है, हम अपने देश की रक्षा करेंगे, अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, अपना तन मन धन ये सभी हम अपने देश के लिए न्यौछावर कर देंगे। और यहाँ सैनिकों की विशेषताएं बताई गई है, सैनिक धीर भी हैं, धैर्यवान हैं, गंभीर हैं, साहसी हैं और स्थिर हैं, मतलब कि वो समुद्र की तरह स्थिर है, अचल है मतलब कि स्थिर है। और कहा है कि हम ही हिमालय की रक्षा करेंगे, हम ही हिमालय की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व नछावर कर देंगे, हम शांति दूत धरणी के, छांव सभी को देते हैं। शांति दूत मतलब कि हम ही इस धरती पर शांति की स्थापना करेंगे और साथ ही साथ सभी को छाएं देंगे, मतलब कि हमारे लिए सभी भाई बंधु एक समान होंगे, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सैनिकों की विशेषताएँ बताइए, इसीलिए आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और सुनना है,
जरूरी नहीं कि भाई आपके परीक्षाओं में यही काव्य आ जाए, यही काव्यांश आ जाए, आपको हो सकता है कोई और आ जाए। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि भाई प्रियंका मैम बता कैसे बता रही हैं कि उस काव्यांश को हमें हल कैसे करना है। तो उसके एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है, समझना है और उसका भावार्थ करना है, फिर ही उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, वीर प्रसू माँ की आंखों के हम नवीन उजाले हैं। वीर प्रसू माँ से तात्पर्य कि जिस धरती माँ ने वीर सपूतों को जन्म दिया, हम उन्हीं माँ की आंखों के तारे हैं, आंखों के उजाले हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। कहा है कि गंगा, कहते हैं ना जो गंगा, वो हमारे गंगा यमुना नदियाँ हमारे देश की शान है, नदियाँ हमारे देश की शान है। तो हम ही नदियों के और हिंद महासागर के, जो कि हमारे भारत की पवित्र भूमि पर किस तरीके से लहलहा रहा है, उसकी हम रखवाली करेंगे। तो ये वीर सपूत, ये वीर सैनिक कह रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो जय हिंदुस्तान। मतलब वो वीर सैनिक नव युवक कह रहे हैं कि हमारा तन मन धन सब हमारी मातृभूमि के लिए कुर्बान है, जियो जियो जय हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा देखते हैं। लिखा है हम सपूत उनके जो नर थे अनल और मधु के मिश्रण। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम उनके सपूत हैं जो नर थे और जो अनल और मधु के मिश्रण थे। अनल का मतलब होता है आग और मधु का मतलब है शहद। जो कैसे थे, जो आग और शहद का मिश्रण थे, मतलब कि वो भीतर बाहर से तो आग थे लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा कोमल और दयालु थे। तो कहा है कि हम उनके सपूत हैं, हम उन महान योद्धाओं के वीर सपूत हैं जो अंदर से तो बहुत ज़्यादा नरम थे लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा कठोर थे, आग थे। जिनमें नर का तेज प्रखर था, भीतर था नारी का मन। और कहा गया है कि भाई जिनमें नर जैसा तेज प्रखर तो था ही लेकिन उनका मन एक नारी के जैसा था। नारी का मन से यहाँ तात्पर्य है कि उनका मन बहुत ज्यादा दयालु था, मन बहुत ज्यादा दयालु था। एक नयन संजीवन, जिनका एक नयन था हालावल और उनका एक नयन ऐसा था कि बहुत ज़्यादा शांत, और उनके दूसरा नयन ऐसा था कि उनके मन में बहुत ज़्यादा कोहलाहल, बहुत ज़्यादा कोहराम मचा हुआ था। थर थर तीनों लोग कांपते थे जिनकी ललकारों पर। ऐसा कहा जाता है कि हम भाई उन वीर सपूतों की संतान है जिनकी एक आवाज़ से दुश्मन कांप जाते थे। अगर वो दुश्मन को एक बार ललकार दें तो दुश्मन कांप जाते थे। हम उन वीर सपूतों की संतान है। यहाँ पर उन्होंने हमारे पूर्वजों के बारे में बताया गया कि हम ऐसे महान वीर योद्धाओं की संतान है जिनकी एक ललकार से उनकी जो दुश्मन सेना थी वो कांप जाती थी। स्वर्ग नाश्ता था रण में जिनकी पवित्र तलवारों पर, हम उन वीरों की संतान, जियो जियो जय हिंदुस्तान। और स्वर्ग मतलब, जब वो रण का मतलब होता है रण क्षेत्र, युद्ध भूमि, युद्ध का मैदान। तो उन्होंने कहा है कि स्वर्ग भी नाश्ता था जिनकी पवित्र तलवारों से, जब वीर योद्धा रण में उतरते थे तो स्वर्ग भी उनको देखकर आनंदित होता था। तो हम उनकी संतान है, हम उन वीरों की संतान है। और फिर कहा गया है कि जियो जियो जय हिंदुस्तान। तो इस पूरी कविता का भावार्थ ये है कि देश के नवयुवक कहते हैं कि अब ये देश हमारा है और हम अपने देश के, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और वो उदाहरण देते हैं कि भाई हम उन वीर सपूतों की संतान है जिनकी एक आवाज़ से, जिनकी एक ललकार से दुश्मन सेना कांप जाती थी। यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया है कि वो कैसे थे, वो वीर योद्धा कैसे थे, जो अंदर से कैसे थे, बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे लेकिन बाहर उनके, लेकिन वो बाहर से बहुत, वो आग जैसे अपने दुश्मनों पर बरसते थे। तो ध्यान से, आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस कविता को बहुत ध्यान से समझा होगा, इसके भावार्थ को जाना होगा, क्योंकि इनके ही, इसी कविता में ही आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने हैं। इसीलिए मैंने एक बात बार बार कही है कि भाई अगर आपके पास काव्यांश आ रहा है तो उस काव्यांश की एक एक पंक्ति को, एक एक लाइन को दो दो बार पढ़ो। उससे क्या होगा कि दो दो बार पढ़ेंगे आप तो आपको शब्दों के अर्थ भी समझ आ जाएंगे, आपको उसका भावार्थ भी समझ में आ जाएगा। अगर शब्दों के अर्थ समझ आ गए, भावार्थ समझ आ गए, तो प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जैसे ही पेपर मिला आपको
देखना है कि भाई पहले सब कुछ हल कर लिया, ठीक है, फिर टाइम निकाल के आपको कविताओं को, गद्यांश को और आपठित काव्यांश को हल करना है, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, आपठित गद्यांश या आपठित काव्यांश को हल करने का सबसे पहला नियम यही है कि उसकी एक एक पंक्ति को, एक एक लाइन को, एक एक वाक्य को बहुत अच्छे से पढ़ना है और दो दो बार पढ़ना है, ठीक है। अभी हमने एक काव्यांश पढ़ा, ठीक है, अब हमारे सामने, अब हमारे पेपर में आता है कि भाई काव्यांश का शीर्षक दीजिए, काव्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये बताइए। तो अब इस तरीके के कुछ प्रश्न भी हम हल करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हमें उनको इस तरीके से हल करना पड़ता है, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है कविता में हम कौन हैं, तो हमें ये भी बताना है। दूसरा है भारतवासी हिंदुस्तान पर क्या क्या न्यौछावर करना चाहते थे, तो ये सभी बातें हमने अपनी कविताओं में अभी देखी हैं, अभी पढ़ी हैं। तो प्रश्न में बताइए कि भाई कविता में हम कौन हैं, तो कविता में हमें क्या मिला कि कविता में नवयुवकों ने कहा है कि हमें और हम अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। तो कविता में हम उन नवयुवकों को, उन वीर सैनिकों को कहा गया है जो अपना तन मन धन देश के लिए न्यौछावर करने को तैयार है। देखते हैं, प्रश्न है कविता में हम कौन हैं, कविता में हम भारत की नई पीढ़ी के नवयुवक हैं, कविता में हम भारत के नवयुवक हैं, नई पीढ़ी के नवयुवक हैं, और वे अपने को प्रचंड की नई किरण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब उन्हें अपने अच्छे कार्यों का आलोक दुनिया भर में हुआ है। तो हमने अपनी कविता की पहली लाइन में ही पढ़ा था कि नवयुवक कह रहे थे कि भाई हम प्रचंड की नई किरण हैं और हम दिन के आलोक नवल हैं, हम प्रचंड की नई किरण हैं और हम ही दिन के आलोक नवल हैं, हम ही अपने इस देश का नया उजाला है, नया प्रकाश है, ठीक है। और है तथा वे देश के भावी कर्णधार है, मतलब कहा गया है नवयुवकों को कि अब हमारे देश की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं नवयुवकों के कंधों पर है। तो इसका प्रश्न था कविता में हम कौन हैं, तो इस कविता में भारत की नई पीढ़ी के नवयुवकों को ही हम कहा गया है। दूसरा प्रश्न है भारतवासी हिंदुस्तान पर क्या क्या न्यौछावर करना चाहते हैं और क्यों, तो हमने इस कविता के अंत में ही पढ़ा कि भारतवासी कह रहे हैं कि भाई हमारा तन मन धन सर्वस्व हमारा हमारे देश के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए न्यौछावर है। तो अगर आपने एक बात नोटिस की होगी कि हमने जो जो भी प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं उनके उत्तर हमें दूर कहीं बाहर से नहीं देना है, बल्कि उसी कविता में हमें सब कुछ मिल रहा है। तो है कि भारतीय नवयुवक अपने देश हिंदुस्तान पर तन मन और धन अर्थात सर्वस्व निछावर करना चाहते, सर्वस्व का मतलब है सब कुछ निछावर करने कर देना चाहते हैं, क्योंकि देश की आन बान शान की रक्षा करना और भारत की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है, ये हमारी ही जिम्मेदारी है, हमारे देश की ही नवयुवकों की, नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम अपने देश की आन बान और शान की रक्षा करें। अगला प्रश्न है अनल और मधु के मिश्रण किन्हें कहा गया है, उनकी अन्य विशेषताएं क्या थीं, तो भाई अनल और मधु का मिश्रण, अनल मतलब कि आग होता है, मधु का मतलब है शहद। तो इस कविता में क्या कहा गया कि अनल और मधु का मिश्रण हमारे पूर्वजों को, हमारे देश के वीर सपूतों को कहा गया है। चलिए देख लेते हैं, अनल और मधु का मिश्रण हम भारतीयों के पूर्वजों को कहा गया है, जैसा कि हमने कविता में ही देखा कि अनल और मधु का मिश्रण हमारे भारत के ही पूर्वज हैं, वे युद्ध में आग के समान कोहराम मचाते हैं और हृदय से बड़े दयालु हैं। कहा गया है ना कि वो अंदर से वो कैसे हैं, वो एक नारी के जैसे, एक स्त्री के जैसे हैं, और वो अंदर से तो बहुत दयालु हैं लेकिन बाहर से उनके अंदर एक कोहराम मचा हुआ है। उनका तेज अत्यंत प्रखर और हृदय कोमल भावों से, उनका जो तेज है, उनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा प्रखर है और उनके अंदर कोमल कोमल भाव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आलोक का पर्यायवाची शब्द। तो ध्यान रखना, अक्सर कविताओं से पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर ही जरूर पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको व्याकरण भी आने चाहिए और इसलिए मैं आपको व्याकरण के भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँगी। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से, अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो दूसरे बार वीडियो को देखिए और काव्यांश को हल करने का तरीका सीखिए।
आलोक का पर्यायवाची प्रकाश, चांदनी, उजाला और रोशनी है। आलोक का पर्यायवाची प्रकाश कहते हैं। आलोक का ही दूसरा अर्थ होता है प्रकाश, और पर्यायवाची का अर्थ तो आपको पता होगा, समान अर्थ वाले शब्दों को ही पर्यायवाची कहते हैं। इन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अगला है आपका सुरभि का विलोम शब्द लिखिए। कहा था ना कि आपको विलोम भी आएंगे, तो अक्सर आपसे इस तरीके का काव्यांश दिया होगा, उसके बाद आपसे पर्यायवाची और विलोम अक्सर पूछे जाएंगे। इसीलिए भाई आपको पर्यायवाची और विलोम भी आना चाहिए। आपको आपके लिए मैं उससे संबंधित वीडियो भी लेके आऊँगी, लेकिन अभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। उसके पहले भाई हम ये तो जान लें कि सुरभि का पर्यायवाची क्या है। तो इस कविता में हमने जाना कि सुरभि का मतलब होता है सुगंध। इसमें कहा गया है कि भाई स्वर्ग की जैसी सुगंध चारों दिशाओं में फैल रही है। कहाँ? जहाँ पे वीर सैनिक हिमालय की रक्षा कर रहे हैं, तो उन्हें वहाँ पर स्वर्ग की सुगंध की अनुभूति हो रही है। तो सुरभि का विलोम शब्द होगा दुर्गंध। ठीक है, सुरभि का अर्थ होता है सुगंध और सुगंध का विलोम शब्द होता है आपका दुर्गंध। ठीक है, चलिए तो आज हमने एक बहुत अच्छे काव्यांश को पढ़ा, बहुत अच्छी कविता पढ़ी, उसके भावार्थ को समझा और उससे संबंधित प्रश्नों को भी हल किया। अब मुझे उम्मीद है कि अब अगर आपके एग्जाम में काव्यांश आएंगे तो आपको उनको हल करने का तरीका समझ आ ही गया होगा। फिर से बता देती हूँ कि भाई आपको इस काव्यांश की एक एक लाइन को, एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को दो दो बार पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, बाय, टेक केयर।